વાસ દરેકના જીવનનું સ્વપ્ન હોય છે ખાસ સર્વાંગી વિકાસ થકી આગળ વધવારવાનો છે વિશ્વાસ મંત્રીશ્રીનું વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીશું સૌ પ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી બચ્ચો ગુજરાતની સમગ્ર જનતા વતી હર્ષભેર સ્વાગત કરી રહ્યા છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત धन्यवाद माननीय मंत्री श्री बलवंत सिंह राजपूत और माननीय मंत्री श्री कुंवरजी भाई बावड़ी का मतलब ये हुआ कि ये करोड़ों करोड़ों महिलाएं लखपति बन गई है और इसलिए ये मेरी लखपति दीदी हिंदुस्तान के हर कोने से मुझे आशीर्वाद देती है ताकि मैं उनके लिए ज्यादा काम कर सकूं। साथियों, देश में बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए बीजेपी सरकार भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमने राजकोट में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 1000 से ज्यादा घर बनाए। ये घर कम कीमत में बहुत कम समय में तैयार किए गए और उतने ही ज्यादा सुरक्षित भी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हमने देश के 6 शहरों में ये प्रयोग किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में और अधिक सस्ते और आधुनिक घर गरीबों को मिलने वाले हैं। साथियों, हमारी सरकार ने घरों से जुड़ी एक और चुनौती को दूर किया है। पहले रियल एस्टेट सेक्टर में मनमानी चलती थी, धोखेबाजी की शिकायतें आती थी, मध्यम वर्ग के परिवारों को सुरक्षा देने के लिए कोई कानून नहीं था और ये जो बड़े बड़े बिल्डर योजनाएं लेकर के आते थे, इतने बढ़िया फोटो होते थे, घर में भी तय होता है यही मकान ले लेंगे और जब देते थे तब कुछ दूसरा ही दे देते थे, लिखा हुआ एक होता था, देते थे दूसरा। हमने एक रेरा कानून बनाया, इससे मिडिल क्लास परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिली है और पैसे देते समय जो डिजाइन दिखाई थी अब उसको बनाने वालों को वैसा मकान बना के देना कंपलसरी है, वरना जेल में व्यवस्था रहती है। यही नहीं, हम मिडिल क्लास परिवार को भी घर बनाने के लिए पहली बार आजादी के बाद पहली बार मिडिल क्लास को बैंक लोन के साथ ब्याज की मदद की व्यवस्था की गई है। गुजरात ने इससे भी बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्र में गुजरात में मध्यम वर्ग के ऐसे 5 लाख परिवारों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद देकर सरकार ने उनके जीवन का सपना पूरा किया है। साथियों, आज हम सभी मिलकर आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन 25 वर्षों में हमारे शहर, विशेष रूप से टियर 2 टियर 3 शहर अर्थव्यवस्था को गति देंगे। गुजरात में भी ऐसे अनेक शहर हैं, इन शहरों की व्यवस्थाओं को भी भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। देश के 500 शहरों में बेसिक सुविधाओं को अमृत मिशन के तहत सुधारा जा रहा है। देश के 100 शहरों में जो स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही है वो भी उन्हें आधुनिक बना रही है। साथियों, आज हम अर्बन प्लानिंग में ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों पर समान जोर दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा समय खर्च ना करना पड़े। आज देश में इसी सोच के साथ मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। साल 2014 तक देश में
250 किलोमीटर से भी कम का मेट्रो नेटवर्क था, यानी 40 साल में 250 किलोमीटर मेट्रो रूट भी बना नहीं बना था, जबकि बीते 9 साल में 600 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बना है। उन पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। आज देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज आप देखिए, अहमदाबाद जैसे शहरों में मेट्रो के आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुलभ हुआ है। जब शहरों के आसपास के क्षेत्र आधुनिक और तेज कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो उससे मुख्य शहर पर दबाव कम हो जाएगा। अहमदाबाद गांधीनगर जैसे ट्विन सिटी आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से भी जोड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार गुजरात के अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसें भी तेजी से बढ़ाई जा रही हैं। साथियों, गरीब हो या मिडिल क्लास, हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी संभव है जब हम उसे साफ सुथरा वातावरण मिले, शुद्ध हवा मिले। इसके लिए देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। हमारे देश में हर दिन हजारों टन म्युनिसिपल वेस्ट पैदा होता है। पहले इसे लेकर भी देश में कोई गंभीरता नहीं थी। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.